अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही हैं और आज हमारी उस सीरीज़ का 18वां लेक्चर है। दोस्तों, हमने पिछले कोई एक दो क्लासेस से पॉइंटर्स के ऊपर एक बात शुरू की थी। हमने अपनी जो हमारी टूल किट है प्रोग्रामिंग की, उसको इंक्रीज़ किया था और उसमें पॉइंटर का इजाफा किया था। और पिछली जो हमारी आई थिंक दो क्लासेस हैं वो पॉइंटर्स के ऊपर ही हुई हैं, और आज भी हमारी जो डिस्कशन है वो पॉइंटर के ऊपर जारी रहेगी। और आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड एरेज की, कि पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड एरेज का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ये हम इंडिविजुअली भी देखेंगे और एज अ होल भी देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी पिछली क्लास की, कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर अप की थी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी डिस्कशन जो है वो पॉइंटर्स के ऊपर जारी रखी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसमें एड्रेस ऑपरेटर का क्या रोल है। और साथ ही जो है मैंने आप लोगों को C++ का एक प्रोग्राम लिखकर दिखाया था और एंड के ऊपर आप लोगों को उससे रिलेटेड, पॉइंटर से रिलेटेड एक एक्सरसाइजेस दी थी। मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्तों ने सारी एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट जो हम हर लेक्चर के एंड पे मैं आपको देता हूँ वो कर ली होंगी। अगर किसी को किसी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसकी जो क्यूरी होगी उसको रिजॉल्व करूँगा और आपके जितने भी सवालों के जवाब होंगे उनको पॉजिटिवली देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो पॉइंटर्स के ऊपर जारी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जी रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स जो है वो पॉइंटर्स और एरे का भी होता है, पॉइंटर और स्ट्रिंग का भी होता है। तो आज जो है हम स्पेशली बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ पॉइंटर एंड एरे, रिलेशनशिप ऑफ पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड एरे, कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। और उसके साथ ही आज हम जो है पॉइंटर और एरे और स्ट्रिंग, इन तीनों से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल करेंगे, और एंड के ऊपर जो है मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज शेयर करूँगा जो आपने खुद से कोड करनी होगी। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास का बकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं कि जी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर एंड एरे, के पॉइंटर और एरे का आपस में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, पॉइंटर और एरे दोनों हम मेमोरी एड्रेस को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे और पॉइंटर, इट मीन्स के वी आर एलोकेटिंग द मेमोरी टू स्टोर द डेटा, कि हम कोई जो है मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं किसी भी डेटा को सेव करने के लिए। इन दोनों में फ़र्क यह है कि एरे एक कॉन्स्टेंट मेमोरी एड्रेस को महफूज करती है, इट मीन्स के जो आपकी एरे है उसका जो आपका इंडेक्स होता है, मतलब वो एक कॉन्स्टेंट मेमोरी एड्रेस को सेव करता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर, तो पॉइंटर ऐसा नहीं करता। पॉइंटर जो है आपकी एक ऐसी मेमोरी एड्रेस को सेव करता है कि जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंटर किसी और मेमोरी एड्रेस को भी पॉइंट कर सकता है, इसके अंदर कोई और भी वैल्यू वगैरह जो है वो एड्रेस जो है वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो एरे है इसके अंदर जो है एड्रेस वो चेंज नहीं होता। और ये जो है मैं आपको आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर आपको क्लियर करके भी दिखाऊँगा कि पॉइंटर जो है उसको के अंदर जो हमारा मेमोरी एड्रेस सेव होता है उसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो एरे है उसका जो एड्रेस होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे देखें जो है एक पॉइंट एरे को पहले डिक्लेयर किया गया, इंट एक्स, इंट टाइप की एक एक्स एरे है, उसका साइज जो है वो 10 है। इसी तरह एक इंट टाइप का XPTR एक पॉइंटर है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, नाउ वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास दो चीजें हैं, X एंड XPTR। X जो है वो एक एरे है, XPTR जो है वो एक पॉइंटर है। बोथ आर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, दोनों का जो है वो हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो हमें वापस रिटर्न करते हैं। However, X is constant pointer, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो X है वो हमारा constant pointer है। On the other hand, we have always point to the same location, whereas XPTR is a pointer variable. और जो हमारा XPTR है वो pointer variable है, it means के यहाँ पे जो value है
वो कभी भी तब्दील हो सकती है, मेमोरी एड्रेस, सॉरी, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है वो कभी भी तब्दील हो सकता है। दैट कैन ऑल्सो प्रिंट टू एनी अदर मेमोरी एड्रेस, और ये किसी और मेमोरी एड्रेस को भी पॉइंट कर सकता है। तो ये हमारा पॉइंटर और एरे के दरमियान फर्क है। आगे हम बात करते हैं जी पॉइंटर एरे स्ट्रिंग की। जब हम लोग करेक्टर को महफूज करना हो तो हम करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, मगर अगर हमने एक से ज्यादा करेक्टर को स्टोर करवाना हो तो इसके लिए हम वेरिएबल की बजाय या तो हम एरे ले लेते हैं। अगर हमने एरे नहीं लेनी है तो हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी हमने करेक्टर को स्टोर करवाना होता है एक से ज्यादा की स्पेस लेते हैं अगर हम लोग एरे यूज कर रहे हैं। और पॉइंटर की मदद से हम इस एरे पर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मसलन अगर एक एरे को दूसरी एरे में कॉपी करना हो तो इसके लिए भी हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पॉइंटर को आपस में भी कंपेयर करवा सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ऑन स्ट्रिंग, ऑन वेरिएबल, ये हमारे परफॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, और ये आज की क्लास के अंदर हम लोग करने भी वाले हैं। हम अब आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं जी आगे क्या है। आगे जी हमारा एक सैंपल प्रोग्राम है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच यू हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड पॉइंटर। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, और दैट प्रिंट द वैल्यू ऑफ एड्रेस दैट अ वेरिएबल इज सिंपल वे एफ विल एफ बाई यूजिंग द पॉइंटर। हमने एक पॉइंटर लेना है, एक वेरिएबल लेना है, उसके साथ हमने एक एरे लेनी है, और हमने जो है उसका जो एड्रेस है वो हमने विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ एरे, और विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पॉइंटर, एंड विद द हेल्प ऑफ जो है हम डिफरेंट एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके जो है वो हम उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और ओपन करते हैं जी डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस के लिए मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और डेव सी प्लस प्लस के बटन पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है अभी डेव सी प्लस प्लस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो गया, फाइल पे क्लिक किया, सोर्स फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे सामने जो है डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, वही बात इंक्लूड इंक्लूड, और उसके बाद हमारी आईओ स्ट्रीम आएगी। आई ऑफ स्ट्रीम के बाद हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एफ टी डी लिखा और फिर हमने जो है अपना जो मेन का फंक्शन है उसको शुरू किया और ये उसकी ब्रेसिस आ गई और इस ब्रेसिस के अंदर हमने अपनी बॉडी लिखनी है। अब हम लोग जो है सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं पॉइंटर, वेरिएबल और एरे। वो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जी इंट ए। अब ये एक वेरिएबल है, बल्कि मैं इसके सामने आपको कमेंट की सूरत में डिक्लेयर वेरिएबल, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। हम लिखते हैं जी इंट जेड और इसके साथ मैं ब्रैकेट्स लगाता हूं और उसका एरे का हम 5 दे देते हैं जी 10। तो ये जो है हमारे पास एक एरे हो जाएगी डिक्लेयर डिक्लेयर एरे। अब हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं जी इंट स्टेरिक। स्टेरिक का आप लोगों को पता है कि हम जब भी कोई पॉइंटर लिखते हैं तो वो हमारा जो है इसके साथ जो है स्टेरिक के साथ आता है। इसके भी एंड पे हमने सेमी कॉलन लगाया और इसको भी जो है मैं लिख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि जी डिक्लेयर पॉइंटर। तो ये तीन चीजें हमने ले ली थी, ये तीन चीजें ली और फिर अब मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ जी। मैंने कहा कि जी ए इक्वल 10, कि ए जो है उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10 की। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है अब एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और मैं आप लोगों को वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाता हूँ और एड्रेस भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा फी आउट लेफ्ट देन और यहाँ पे लिखा जी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है और यहाँ पे फी आउट लेफ्ट देन और ए लिखकर मैंने सेमी कॉलन लगाया और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। क्लास चल रही है जी हमारी 18 18, इसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जो है इसमें एरर आ गया है। एरर क्या है जी, सी आउट
not declare int main function using namespace std. ये तो हमारा ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे क्या मसला आ गया? main इसको compile करते हैं using namespace std semicolon enter, दोबारा compile करते हैं. I think उसमें कोई spelling mistake थी. तो हम इसको run करते हैं. जब हमने run किया तो यहाँ पे देखें आ रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 10, क्योंकि हमने 10 असाइन की हुई है. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो है वो एक्सेस करते हैं कि उसका जो है एड्रेस क्या है जिसके ऊपर ये वेरिएबल स्टोर हो रहा है. सबसे पहले यहाँ पे मैं सी आउट लेफ्ट देन एंडल यूज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो अगला है वो उसकी जो आउटपुट है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए. एंडल मैंने दो यूज कर लिए, यहाँ पे लिखा सी आउट लेफ्ट देन और इनवर्टेड कॉमास के अंदर एड्रेस ऑफ स्टोर वेरिएबल ए इज. अब वो हमारे पास क्या है, एंड पे हमने सेमी कॉलन लगाया. अब हमें पता है कि हमने जब भी किसी एड्रेस को एक्सेस करना हो मेमोरी लोकेशन के तो हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और सिंगल एंड यूज करते हैं. तो एंड लगाया और ए लगाया, इट मींस कि एट दिस टाइम वी आर नॉट एक्सेसिंग द वेरिएबल वैल्यू बट वी हैव एक्सेसिंग द मेमोरी एड्रेस वेयर दैट वैल्यू इज स्टोर्ड, कि जहां पे वो वैल्यू स्टोर है उस मेमोरी का हमने जो है एड्रेस गेट करना है. तो वो हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको दोबारा कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है, हमने इसको रन किया. अब यहाँ पे देखें एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ स्टोर्ड वेरिएबल इज यहाँ पे 0x6FFE1C. ये हमें एक मेमोरी एड्रेस लोकेशन बता रहा है जिसके ऊपर हमारा वो जो ए वाला वेरिएबल है उसकी वो स्टोर है. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है अपना जो हमारा एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे भी मैंने सी आउट एंडल लगा दिया ताकि हमें जो अगले रिजल्ट हैं वो क्लियर नजर आए. और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं सी आउट लेफ्ट देन और फिर हमने लिखा जी एड्रेस ऑफ एरे, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, कि हम जो है एरे का जो हमारा इज का फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. सी आउट लेफ्ट देन और इसके साथ भी हम लगाएंगे एंड और जो हमारी एरे है वो जेड है, उसका जो साइज है वो हमारा 10 है. तो यहाँ पे मैं जो है 0 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जो है फर्स्ट एलिमेंट का जो है एड्रेस चाहिए. अगर आपको सेकेंड एलिमेंट का चाहिए तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे. इसी तरह अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे आप जो है वो 4th लिखेंगे, तो आपके पास जो है वो 5th एलिमेंट का जो है एड्रेस वो आ जाएगा. ये इससे हमारा 1st का आ जाएगा. हम इसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ. कंपाइल करने के बाद देखें दोबारा रन किया, तो दोबारा जब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखें अब जो हमारी एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो इस एड्रेस पे होगा 0x66FFDF0 के ऊपर जाके हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा. और इसी तरह जो है अगर यहाँ पे मैं आके अपना 5 लिखता हूँ, इट मींस के वी आर एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ द एरे ऑफ द 6th एलिमेंट, मतलब 6th एलिमेंट का हम लोग एड्रेस गेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने पुरानी विंडोज को क्लोज किया, इसको दोबारा कंपाइल किया, इसको दोबारा रन किया, तो यहाँ पे हमें वो दूसरा एक एड्रेस दे देगा हमारा जो 6th एलिमेंट होगा उसका. हम वापस इसको क्लोज करके 0 कर देते हैं और आगे चलते हैं. और आगे हम लोगों ने पॉइंटर्स की बात करनी है तो पॉइंटर्स वाला भी मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पे हमने ये एंडल वाला कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि अगले जो रिजल्ट है वो हमें क्लियर नजर आए. इसको सेव किया. अब आगे क्या करते हैं, आगे जो है मैं ये करने लगा हूँ जी, हमारा जो पॉइंटर है वो है माई पॉइंटर. इसको जो है इक्वल्स लगा के मैं एड्रेस असाइन करने लगा हूँ जी ए का, कि हमारा जो ए का एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर को असाइन कर दे.
फिर जब हम पॉइंटर को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव होगा ए वाला, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आगे हम इसको प्रिंट करते हैं, सी आउट लेस देन, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखता हूँ जी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए थ्रू पॉइंटर इज, कि हम जो है अब वही एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं ए का, और उसको हम पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं। हमने सी आउट लेफ्ट एन लिखा, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है वो माई पॉइंटर है, इसको माई पॉइंटर को मैंने यहाँ पेस्ट किया और सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल का फर्स्ट वाला एड्रेस है वही हमारा पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो हम जो है अपना एड्रेस जो है वो पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम वेरिएबल की जो लोकेशन एड्रेस है वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे जो है मैंने दोबारा एंडल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि अगले रिजल्ट हमें और क्लियर नजर आए। और आगे जो है मैं ये करता हूँ कि मैं वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ। मतलब हमने पहले वैल्यू जो है वो 10 ली थी, अब जो है वो वैल्यू मैं 20 ले लेता हूँ। तो 20 जब मैं लेता हूँ और इक्वल्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा अगर ए को एक्सेस करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है जी। फी आउट लेफ्ट देन, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, अब ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हमने यहाँ पे फी आउट दोबारा लिखा, फी आउट लेफ्ट देन और ए और सेमी कॉलर लगाया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो है हम इसको देखते हैं कि अब क्या वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहले जो वैल्यू है वो 10 आ रही थी, अब 20 आ रही है। तो हम कहीं पर भी जो है वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इससे जो है एड्रेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद जो है हम वेरिएबल के थ्रू भी एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो हमारी एरे है उसमें भी हम एड्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा जो एरे का एड्रेस है वो ये एक कॉन्स्टेंट एड्रेस है, इसी तरह जो हमारा वेरिएबल पॉइंटर का एड्रेस है, ये मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ये हमारा वेरिएबल एड्रेस होता है, कि मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है विद द चेंज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर हम उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैं अब इंक्रीमेंट करता हूँ अपने पॉइंटर को और फिर देखते हैं कि जी एड्रेस के अंदर क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आगे मैं फी आउट के साथ वो एंडल लगा देता हूँ ताकि अगले जो रिजल्ट हैं वो हमें ठीक नजर आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी माय पॉइंटर, वही पॉइंटर का नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट किया और इसको किया प्लस प्लस, इट मीन्स के वी आर इंक्रीमेंटिंग दी पॉइंटर वैल्यू। यहाँ पे बल्कि मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ कि इंक्रीमेंट पॉइंटर, हम पॉइंटर को जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब जो है मैं पॉइंटर को दोबारा एक्सेस करता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा फी आउट लेफ्ट देन और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा पॉइंटर एड्रेस ऑफ पॉइंटर ए डबल एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंट, ये हमने लिखा इज लिखा, और फिर जो है मैं सेमी कॉलन लगाया। अब जो है हम अपना पॉइंटर को प्रिंट करवाते हैं और उसके लिए मैंने लिखा फी आउट लेफ्ट देन और यहाँ पे पॉइंटर को हमने प्रिंट किया, पॉइंटर का नाम लिखा और इसको मैंने सेव करके सेमी कॉलन लगाया, और इसको कर लेते हैं जी हम कंपाइल। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, जब हमने रन किया तो यहाँ पे देखें कि अब पहले जो हमारी पॉइंटर वाली वैल्यू है इसके दरमियान एक और वैल्यू आ रही है, इसको मैं फाइट पे कर देता हूँ ताकि आपको वो क्लियर जो है वो समझ आ सके। इसको वाले कोड को उठा के मैं कर देता हूँ जी ऊपर ताकि हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हो गया, और इसके बाद हमारा ये पॉइंटर का एड्रेस चेंज हो गया, पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई, हमने इंक्रीमेंट किया, सेव, इसको किया कंपाइल और इसको किया रन। अब यहाँ पे देखें कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए थ्रू पॉइंटर इज 0x6FFE14 और एड्रेस ऑफ पॉइंटर
of a variable after increment is 0x6FFE18. It means कि जो लास्ट वैल्यू है वो पहले बिफोर इंक्रीमेंट वो हमारी 4 है और आफ्टर इंक्रीमेंट जो है वो हमारी 8 है. इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 4 का इजाफा हुआ है. और 4 का ये इजाफा क्यों हुआ है? 4 का इजाफा इसलिए हुआ है कि हमारा जो पॉइंटर है उसकी जो हमारी डेटा टाइप है वो इंट है और इंट जो है वो हमारी 4 बिट्स लेता है मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए. तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारी जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वो 4 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो 4 है और आगे जाके वो 8 हो रहा है. तो 8 जो है वो इंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंट जो है वो 4 बाइट जो है वो जगह स्पेस कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे जो है वेरिएबल की वैल्यू हमने एक्सेस की, फिर हमने वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस किया, फिर हमने एरे का एड्रेस एक्सेस किया, और फिर जो है हमने एड्रेस वही पॉइंटर के जरिए एक्सेस किया, और फिर हमने वो मैंने आपको बताया था कि जो एरे का एड्रेस होता है वो आपका कॉन्स्टेंट एड्रेस होता है, वो चेंज नहीं होता, और जो पॉइंटर का एड्रेस होता है वो आपका चेंज होता रहता है, और वो चेंज जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के साथ होता है. और ये भी मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम जो है वो करके दिखाया. दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास की आपको समझ आ गई होगी. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा समझा सकूं. और दोस्तों आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी सेम यही है, बट ऑन सम एडिशन. उसमें थोड़ी सी एडिशन आपने करनी है. वो क्या करनी है कि आपने जो हमने वेरिएबल लिया है उसकी जो वैल्यू है वो आपने लेनी है यूज़र से, और जब हमने वो वैल्यू चेंज की है वो भी आपने यूज़र से लेनी है. और आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द यूज़र यू हैव टू एक्सेस स्टोर दैट वैल्यू ऑन द मेमोरी लोकेशन. आपने वो वैल्यू मेमोरी किसी के ऊपर सेव करनी है और फिर उसका एड्रेस जो है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वो एक्सेस करना है और फिर उसको आपने इंक्रीमेंट करना है. ये है दोस्तों आज की हमारी एक्सरसाइज. आप घर जाइए, इसको कोड कीजिए और इंजॉय कीजिए. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को C++ की समझ आ रही होगी. दोस्तों आज की क्लास जो है वो हम क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है. दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है पॉइंटर्स के ऊपर, एरेज के ऊपर, और हमने रिलेशनशिप देखा है पॉइंटर्स और एरेज का और स्ट्रिंग का, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक सैम्पल प्रोग्राम करके दिखाया है. और एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी है जो आप लोग खुद से कोड करेंगे. मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए, और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके. और मुफिन भाई को अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.